स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन योर साइंस ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ द चैप्टर नंबर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सो लेट्स स्टार्ट। राहुल, रोहन, व्हाट हैज़ हैपन टू योर लेग? राहुल इज़ आस्किंग रोहन दैट व्हाट हैज़ हैपन टू योर लेग। रोहन, आई स्लिप्ड ऑन वन ऑफ माई टॉयज लाइंग ऑन द फ्लोर एंड गॉट बैडली हर्ट। रोहन कहता है कि मैं अपने खिलौने पर गिर गया और मुझे चोट लग गई। The doctor advised me bed rest for 1 week and doctor has told me to take rest for 1 week. Rahul, how awful! कितना खराब लगता है। It is so boring to keep lying on the bed and not being able to play. मेरा कितना खराब लगता है, boring लगता है कि आप बेड पर सो रहे हो and not able to play. जब आप लोग बीमार होते हैं और आपको कहा जाता है आराम करें तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। Are you feeling better now? क्या तुमको अच्छा लग रहा है? रोहन, यस आई एम बेटर नाउ। रोहन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। आई हैव लर्न अ लेसन नॉट टू लीव माई थिंग्स स्कैटर्ड हेयर एंड देयर। कि मैंने एक लेसन लर्न किया, स्कैटर्ड मतलब बिखेरा हुआ, यानी अपने सामान को इधर उधर ना बिखेरा। राहुल, वी ऑल मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। राहुल कहता है कि हमें हेल्दी रहने के लिए और हैप्पी खुश रहने के लिए हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। I shall explain them to you. मैं तुम्हें कुछ सेफ्टी रूल्स एक्सप्लेन करता हूँ। God has gifted us such a wonderful body which can perform so many activities. We should keep our body fit, healthy and in good working condition. भगवान ने हमें जो बॉडी दी है तो उसका हमें क्या करना है? फिट रखना है, हेल्दी। सो गॉड हैज़ गिफ्टेड बॉडी, यानी गॉड ने हमें एक अच्छी सी बॉडी दी है जिसका हमें ध्यान रखना है। We must protect ourselves from illness, और हमें इसको किससे बचाना है? इलनेस मतलब बीमारियाँ, इंजरीज मतलब चोट एंड एक्सीडेंट्स, ओके, बाय फॉलोइंग सम सेफ्टी रूल्स। तो वॉट आर सेफ्टी रूल्स? सेफ्टी रूल्स आर द रूल्स विच वी फॉलो टू कीप आवर सेल्फ सेफ्टी सेफ, ओके। जो रूल्स हम अपने आप को सेफ रखने के लिए फॉलो करते हैं दैट आर नोन एज सेफ्टी रूल्स, ओके चिल्ड्रन। नाउ एक्सीडेंट्स कैन अकर एनी वेयर एंड एट एनी टाइम, दे हैपन ऑल ऑफ सडन। जो एक्सीडेंट्स हैं वो कभी भी किसी समय भी हो सकते हैं और वो अचानक होते हैं, है ना। मोस्टली एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर इन हरी। एक्सीडेंट मोस्टली कब होते हैं? जब हम किस में होते हैं? जल्दी में, और वी आर केयरलेस, और या क्या होते हैं? हम केयरलेस होते हैं, है ना, ध्यान नहीं रखते। देयर फोर वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। फर्स्ट सेफ्टी एट होम। अब सेफ्टी एट होम क्या क्या होती है? घर में जब रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं हम घर में सुरक्षित हैं, और घर में आपके बहुत लोग ध्यान रखने के लिए होते हैं, फिर भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स अपने घर में फॉलो करने हैं। आवर होम कैन बी द सेफेस्ट प्लेस provided all family members take care of their belongings and keep them in their proper place. जो घर है वो हमारे लिए सबसे सेफ प्लेस होती है। सारे फैमिली मेम्बर्स अपना अपना चीज़ों का ध्यान रखते हैं एंड सब उनको सही जगह में रखते हैं। अब है सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम। अब घर में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं? डू नॉट लीव योर थिंग्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। आप अपनी चीज़ों को क्या है, फ्लोर पे यानी फर्श पे बिखेर के ना रखें। यू माइट ट्रिप ओवर दैम एंड गेट इंजर्ड। इससे क्या होगा, आपको चोट लग सकती है। कीप द फ्लोर ऑफ योर किचन एंड बाथरूम ड्राई। और आपके किचन या बाथरूम का फर्श है आपको क्या करना है, सूखा रखना है। नहीं तो क्या होगा, आप स्लिप कर जाएंगे। अगर कोई साबुन का टुकड़ा है वहाँ पे गिरा हो तो उसे स्लिप कर जाएंगे। यू माइट स्लिप एंड गेट हर्ट। आपको चोट लग सकती है, हर्ट मतलब चोट। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। और आपके घर में जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं उनको टच नहीं करनी विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से। यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। अब आपके घर में किचन में बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, जैसे मिक्सी होती है, इंडक्शन होता है, हॉट प्लेट होता है, हीटर होता है, तो अगर गीले हाथ से टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है। डू नॉट रन वाइल्ड क्लाइंबिंग अप एंड कमिंग डाउन द स्टेयर्स। और जब हम सीढ़ी से उतरते हैं और चढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, कभी भी दौड़ के नहीं चढ़ना, ओके। Do not play with sharp objects like knives, scissors or blades. और किचन में बहुत सी धार वाली चीज़ें यानी शार्प ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे नाइफ्स है,
सीजर्स है और ब्लेड्स हैं। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार आपके घर में किचन में कोई स्क्रू ड्राइवर पड़ा होता है, कोई फोर्क पड़ी होती है जिससे आप मैगी खाते हो, है ना। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स, और जो माचिस होती है उससे नहीं खेलना चाहिए। क्या होता है, आप लोग खेल खेल में माचिस की तिल्ली जला लेते हो और घर में किसी भी चीज़ को आग पकड़ सकती है। कीप द मेन डोर लॉक्ड एंड नेवर ओपन इट टू द स्ट्रेंजर्स, और हमेशा घर का जो मेन डोर है उसको आपके क्या करना है, क्लोज करना है। और अगर घर में मम्मी पापा हों तो आप लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर आके आपके घर का दरवाज़ा खोल दोगे तो ये आपके लिए क्या होगा, इट विल बी नॉट सेफ फॉर यू। नेम सम शार्प आइटम्स ऑफ द हाउस विद विच द चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले। अब कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में होती हैं जो शार्प होती है, नेल कटर, इससे आपको नहीं खेलना है, ग्रेटर जिससे आप कद्दू क्या करते हैं, गाजर कसते हैं उससे, स्क्रू ड्राइवर एंड नीडल और नेल, और आप कील है, सुई है, इन सब चीज़ों से बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल। अब घर में तो आप अपने पेरेंट्स के साथ थे, जब आप स्कूल में आते हो तो आपको कुछ फॉलो करने हैं सेफ्टी रूल्स स्कूल में अपने आप को सेफ रखने के लिए। स्कूल में आपके पास में आपकी टीचर्स हैं, है ना, जो आपका बहुत ध्यान रखती हैं। इफ़ वी शैल फॉलो द गिवन सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल देन नाइदर वी नॉर आवर फ्रेंड्स शैल एवर गेट हर्ट। अगर हम अपने स्कूल में भी कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी। सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द स्कूल, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने, डू नॉट स्टैंड और रन ऑन डेस्क एंड चेयर, देयर शार्प एजेस कैन हर्ट यू। कभी भी बेंचें और डेस्क पे आपको भागना नहीं तो उनके जो कोने हैं, है ना, वो आपको क्या कर सकते हैं, लग सकते हैं, उनसे आपको चोट लग सकती है। अब ये क्वेश्चन है, व्हाई डू यू हैव नर्स डॉक्टर इन द स्कूल। वी हैव नर्स डॉक्टर इन द स्कूल टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, हमारी ध्यान रखने के लिए होती है। अगर मान लो किसी बच्चे को कोई चोट लग गई तो नर्स क्या करती हैं, वहाँ पे आपकी बैंडेड लगा देती हैं, है ना। डू नॉट हिट और थ्रो एनीथिंग एट अदर्स, और कभी भी क्लास में एक दूसरे पे कोई सामान ना फेंके। कई बार बच्चे डस्टर है, चौक है, इरेजर है, वो एक दूसरे पे फेंकते हैं जिससे उनकी आँखों में चोट लग सकती है। डू नॉट बोर्ड और गेट ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती बस से ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही चलती बस से उतरना चाहिए। ऑलवेज वेट इन अ क्यू टू बोर्ड द स्कूल बस, स्कूल में बस में जब भी हम चढ़ते हैं तो हमें एक क्यू यानी लाइन बना के चढ़ना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे को क्या होगा, धक्का लग जाएगा और चोट लग जाएगी। वेट फॉर योर टर्न इन द प्लेग्राउंड, और अपनी बारी का प्लेग्राउंड में इंतज़ार करिए, जब आपकी बारी आए तभी आप झूले पे झूले, स्विंग्स मतलब झूला। डू नॉट पुल और पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग, और कभी भी किसी को भी खेलते समय धक्का मत दीजिए, नहीं तो उसको चोट लग सकती है। We must keep our bags and bottle near our desk, otherwise, अगर हम अपने bags और bottle को desk के पास नहीं रखेंगे और अगर दोनों desk के बीच में रख देंगे तो क्या होगा, किसी को भी चोट लग सकती है। We must sharpen our pencil by a sharpener only otherwise, because it is safe to sharpen your pencil with sharpener, नहीं तो क्या होगा, अगर आप blade या knife से करोगे तो your जो आपका हाथ है वो क्या हो सकता है, कट सकता है, यानी योर फिंगर कैन बी हर्ट, आपकी उंगली में चोट लग सकती है, इसलिए हमेशा आपको शार्पनर से पेंसिल छीलनी है। ओके चिल्ड्रन, तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी एट स्कूल। रेस्ट ऑफ जो सेफ्टी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।